हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी किचन में। आज हम आपके लिए लाए हैं छोला रेसिपी। ये छोले बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाना आपको बताऊंगी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और घर में ही अवेलेबल मसालों से ये बन जाएगा। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं छोले बनाना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक। इसके लिए हम छोले चने लिए हैं जिनको मैंने 4 से 5 घंटे अच्छे से पानी में सोख कराया है और इसको अभी हम बॉईल करेंगे। मैंने इसको 2 से 3 बार अच्छे से वॉश किया है फ्रेंड्स। और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करके इसको बॉईल करने रख देंगे। 2 से 3 सीटी लगाने के बाद ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। छोला बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा प्याज, 1 बड़ा टमाटर, 1 हरी मिर्च, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। हम इन्हें एक साथ पीस लेंगे मिक्सी जार में डाल करके। गाइस, अगर आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट अलग से बना सकते हैं, बट मैं शॉर्ट नोटिस में इसे एक साथ ही पीस ग्राइंडिंग कर लूँगी मिक्सी जार में। छोला बनाने के लिए हम एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा लेते हैं और मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। गाइस, मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें ऑयल यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी तेल से बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल कोई भी। मैं सरसों, क्योंकि छोले जो हैं सरसों के तेल में बहुत टेस्टी बनते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरे को अच्छे से चटका लेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो हम इस ऑयल में डालेंगे। और इसको अच्छे से हम मिक्स करके गुलाबी होने तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट लगेगा आपको ये मसाला भूनने में अच्छे से। फ्लेम थोड़ा मीडियम कर लेंगे और इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे जिससे कि ये प्याज हमारा कढ़ाई की तली में लगे ना और मसाले ये सब जले ना हमारे। सो गाइस, इसको अच्छे से प्रॉपर आपको 2 से 3 मिनट कलछुल से चलाते रहना है। प्याज भून के अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसमें 2 तेज़पत्ते डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे ऑयल के साथ। तेज़पत्ता डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गाइस। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1/2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर इसमें ऐड किया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। गाइस, मैंने नमक इसमें कम इसलिए डाला है क्योंकि मैंने छोले बॉयल करते समय नमक ऐड डाला था। और 1/2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला इसमें ऐड किया है। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला इसमें। और थोड़ा सा पानी डाल के इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमने इसलिए डाला जिससे हमारे मसाले जले ना और अच्छे से फ्राई हो सके तेल के साथ। इसको भी अच्छे से हमें मिक्स करके पकाना है जब तक ये तेल ना छोड़ने दे। अच्छे से हमारे मसाले भुन चुके हैं गाइस और खुशबू भी अच्छे से आने लगी है। प्रॉपर मसालों में तेल छूट चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। मैंने 1 बड़ा साइज़ टमाटर प्यूरी बनाया था जो कि मैंने इस मसालों में अच्छे से मिक्स करके पका लूँगी। फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से पक चुका है, इसने ऑयल अच्छे से छोड़ दिया है, अच्छे से भुनकर रेडी है। अब हम इसमें बॉयल उबले हुए चने छोले ऐड करेंगे। गाइस, मैंने ये छोले में 1 टी बैग डाला था ताकि इसका कलर चेंज हो सके। अगर आपको भी छोलों का कलर चेंज करना है, ब्राउन पन लाना है, तो आप इसमें 1 टी बैग ऐड कर दीजिएगा बॉयल करते समय। अब हम छोलों को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। पानी अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से मसालों का फ्लेवर छोलों में अच्छे से आ जाए, इसलिए हम 2 से 3 मिनट इनको ऐसे ही पकाएंगे मसाले में। छोले और मसाले मिक्स होकर के अच्छे से रेडी हो गए हैं, अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। और अब हम इसमें
पानी ऐड करेंगे। मैंने छोटी गिलास का भी हाफ ग्लास पानी डाला है, आपको जैसी ग्रेवी चाहिए वैसा डाल लीजिएगा। अब हम एक गिलास इसमें और डाल रहे हैं छोटा ही, तो मुझे थिक ग्रेवी चाहिए इसलिए मैंने छोटी गिलास डेढ़ गिलास पानी ऐड किया है। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर दीजिएगा इसमें। और अब हम इसे गैस फ्लेम हाई करके एक उबाल आने तक पकाएंगे। और अच्छे से उबाल आ चुका है, हमारे छोले बनकर एकदम रेडी हैं और कलर भी इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है गाइस। अब हम लास्ट में इसमें छोला मसाला ऐड करेंगे। मैंने हाफ़ टेबल स्पून से ज़्यादा छोला मसाला इसमें ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने आमचूर पाउडर ऐड किया है, जिससे कि अच्छा फ्लेवर आ सके, टेस्ट आ सके छोलों में। सो गाइस, इन्हें अच्छे से मिक्स करना है गैस फ्लेम ऑफ करके। इसे आप 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए, जिससे कि अच्छे से फ्लेवर आ जाए छोलों में मसालों का। और गाइस, 2 से 3 मिनट आई थिंक हो चुके हैं, तो अब हम इसमें लास्ट में धनिया पत्ती ऊपर से गार्निश करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितने ही टेस्टी लग रहा है छोला। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो ये छोले किसी के साथ भी खा सकते हैं, छोले के साथ आप पूड़ी है, भटूरा है, पराठा है, एनीथिंग किसी के साथ, या छोला राइस, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। गाइस, अगर आपको पसंद आई हो रेसिपी तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इजी तरीके से छोला बनाया है मैंने, कोई टफ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। छोला बनकर एकदम रेडी है।